ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो। मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों के अंदर जो हिंदुत्ववादी संगठन है उन्होंने एतराज जताया है और वो कहते हैं कि 5 वक्त की जो नमाज अजान जो होती है मस्जिदों में उसको बैन किया कर दिया जाए और अगर 5 टाइम ये शोर मचाया जाएगा जैसा कि उनके शब्द हैं तो हम ऐसे लाउड स्पीकर लगाएंगे जिससे कि उनकी आवाज़ बंद हो जाए। और किस तरह से वो एक मुहिम पर उतरे हुए हैं, एक कौन सा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाने की पुलिस के सामने बात कर रहे हैं, ये आपको बताने आया हूँ। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर द्वारा हो रही अजान को लेकर एक तरह के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जबकि अजान मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं होता है, लेकिन नफरत परोसने वालों को केवल मुद्दा चाहिए। ये मुसलमानों का एक पक्ष रखा है इन्होंने। अब देखिए काशिफ हैं, वो उसको लिखते हैं कि जब यूपी चुनाव की घोषणा हुई मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों जैसे खंडवा, इंदौर, उज्जैन में अजान के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई, रैलियां निकालकर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके इस रैली की परमिशन मिल रही है। काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन एक वीडियो देखें आप, इसके साथ में जोड़ के दो वीडियो और दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखें और देखिए एक नौजवान क्या किस तरह की धमकी दे रहा है, वो देखें। भाई साहब ऐसा है, आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे, ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो, ठीक है। भाई साहब ऐसा है, आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहाँ इनके सामने मस्जिद है उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और जब जब इनकी अजान बजेगी जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे, ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो, ठीक है। आपने देख लिया कि किस तरह से वो बंदा कह रहा है कि हमने लाउड स्पीकर मस्जिद के साथ लगा दिया है और अगर अजान होती है तो हम अपने लाउड स्पीकर को बहुत तेज़ आवाज़ में बजाएंगे, जैसा ये शोर मचाते हैं अजान के रूप में ऐसा ही शोर मचाकर हम परेशान करेंगे। अब एक डेलीगेशन दूसरी जगह आया है, काशिफ लिखते हैं कि इंदौर के राउजी बाजार थाने पर अजान को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने थाना प्रभारी को अजान के खिलाफ ज्ञापन देते खुली धमकी दी कि अगर अजान बंद नहीं हुई तो हम सभी हिंदू लोग उन्हें सभी तरह से परेशान करेंगे। पुलिस को धमकी, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की कहानी बयां कर रहा है। यानी कि एक डेलीगेशन, आप वीडियो देखेंगे, उसमें जब पुलिस से अपनी उन्होंने बात रखी, ज्ञापन दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्ञापन देने में, किसी भी परेशानी को लेकर दिया जा सकता है, पुलिस के सामने ही हिंदुत्ववादी संगठन ये कहते हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम हर तरह से परेशान उनको करेंगे। ये वीडियो भी आप देखें। वीडियो एक जना बना लेगा, एक दो जना बना लेगा, पीछे चले जाओ, पीछे 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 जाओ, पीछे आया बन जाए, अरे आओ ना, एक एक जना पास है वीडियो, एक जना से हमको मतलब 5 टाइम हमको डिस्टर्ब किया जाता है, हम हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लोग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से, तो इसी संदर्भ में ये आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी आप शीघ्र सुनवाई करें, नहीं तो यहाँ पे जितने हिंदू घर हैं सभी से आपको भोंगे भोंकू के से आवाज़ों से इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा और सभी प्रकार से इनको परेशान किया जाए, यह हमारा आपसे निवेदन है, तो निवेदन आप स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये शुरुआत है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है, इसको आप गंभीरता से ले लें, ऊपर गंभीरता से आप ले लें।
वीडियो आपने देख लिया। इसके लास्ट में एक बंदा बोल रहा है इसी हिंदुत्ववादी संगठन का कि ये राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, आपने ध्यान से अगर सुना हो। अब मैं आपको इतनी वीडियो नहीं दिखा सकता, ये दूसरी जगह है, इंदौर में अलग लोग चले गए, यहाँ वकील भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये अंधभक्त खाली सिर्फ आम आदमी थोड़ी ना होते हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्त हो सकते हैं। जब धर्म की चाशनी पिला दी जाती है, अफीम चटा दी जाती है, तो इसी तरह का वर्ग किसी भी वर्ग के अंदर तैयार हो जाता है। और वो कहते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है आप देख सकते हैं, ये वकील हैं और इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बंद कर दी जाए। और फिर धार के अंदर, उज्जैन के अंदर और खंडवा के अंदर अलग अलग लोगों ने खबरें छापी हैं और ये बारवानी। और अब दोस्तों दर्शकों एक बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ही समय अलग अलग शहरों के अंदर इस तरह का जो व्या एक अभियान चल रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि हर शहर के अंदर अपने आप ही लोगों ने अजान से तकलीफ हो गई हो। अब वहाँ के मुसलमानों के भी तरफ से कोई ना कोई इस तरह का रिजल्ट आ रहा, जैसे अशरफ हुसैन ने लिखा, उन्हें गुस्सा है, एक ज़माने से अजान होती आई है अपनी एक लिमिटेशन के साथ, अपने एक समय के साथ। अब अगर दूसरा पक्ष अगर यूं कहे कि साहब आपके मंदिरों में आरतियाँ बजती हैं और घंटे घंटे बजती हैं, तो क्या औचित्य है कि उसको बंद कर दिया जाएगा? लेकिन उनका अगर सवाल ऐसा वर्ग उठाता है तो वो भी गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर विविधता है, बाकी लोग सर अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ जो निकाला जाता है उसके अंदर डीजेज बजते हैं, हर एक आदमी हर एक सेकंड में 10-10 डीजे लेकर आता है, पूरा रास्ता बाधित हो जाता है और 2-1.5 महीने के करीब ये प्रोग्राम चलता है। 15 दिन तो इतना ज़बरदस्त चलता है कि सारा आवागमन बंद हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब आस्था है तो योगी जी यहाँ पर क्या करते हैं कि फूल बरसवाते हैं, और मध्य प्रदेश जिसको कहा जा रहा है कि लेबोरेटरी है, वहाँ पर इस तरह का मामला हो रहा है। तो अब वहाँ के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको क्या क्या इम्तहान आप लेना चाहते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अब अगर दूसरे लोगों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया तो किस तरह से भारत के अंदर वैमनस्य से पैदा हो, एक जो है ना आपस की जो मोहब्बत है वो कैसे ख़त्म हो जाएगी, आप इसका अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं। और हिंदुत्ववादी संगठनों की आप कॉन्फिडेंस देखिए कि पुलिस के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर आपने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो हम हर तरह से इसको परेशान करेंगे। तो अब ये एक नया मुद्दा शुरू हुआ है, शायद वहाँ पर भी अब इलेक्शन होने वाले होंगे कुछ समय में, 2019 में हुए थे गालिबन, जब 2020 में जब कोविड हुआ था उसके बाद सरकार गिरा दी गई थी, आपको याद होगा। बहरहाल तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के अंदर अजान को लेकर के हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर आए और मस्जिद के पास लगा दिए हैं लाउड स्पीकर और कह दिया कि अजान आप पढ़ेंगे, आपकी अजान की आवाज अगर आएगी तो हम अपने लाउड स्पीकर को बजाएंगे और आपको परेशान करेंगे। यह है नया भारत। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।